नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बेटू पॉलिटेक्निक पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप सभी को अप्लाइड केमिस्ट्री 2022 इवन का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करके बताऊंगा। इसका 200 ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ये जो क्वेश्चन पेपर है वो बिहार पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ था नवम्बर 2022 में, वो क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। इसे फर्स्ट सेमेस्टर वाले को भी पढ़ना है, ग्रुप ए को, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका बोला जा रहा है अप्लाइड केमिस्ट्री का कि डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आर ऑफ, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या होता है इन सारे ऑप्शनों में से। तो ये आपका एक तरह से क्या होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आपका सेम एनर्जी लेवल का, आप कह सकते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन सेम एनर्जी लेवल का होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है आपका व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, निम्न में से कौन सही है। तो वन BTU दिया हुआ है, चारों ऑप्शन में वन BTU है, ठीक है। वन BTU, BTU का मतलब हो जाएगा ब्रिटिश यूनिट, ठीक है। जो भी हो, यहाँ पे BTU का मतलब ब्रिटिश में नापा जाने वाला एक यूनिट हुआ। तो कितने के बराबर होगा वन BTU? तो वन BTU जो होता है वो आपका लगभग 5500 जूल के बराबर होता है। कैलोरी में बात करें तो आपका 252 कैलोरी के बराबर होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी में देखिए 252 कैलोरी दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है व्हाट विल बी द वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड फ्रॉम AgNO3 सॉल्यूशन बाय 0.5 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और एटॉमिक वेट दे दिया है सिल्वर का, 108 दे दिया है। तो इसे आपको बनाने हैं, तो मैं आपको चलिए एक वाइट पेज पे बनाता हूँ। आपका AgNO3 जो होता है वो क्या होता है, पहले तो आप ये जानिए कि AgNO3 और दिया हुआ है कि 0.5 फैराड इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ पे कंडक्ट करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि Ag को आप लोग ऐसा लिखा जा सकता है, बिल्कुल। और ये आपका क्या होता है, तो Ag होता है। जब हम लोग, पहला बात आप ये जानिए कि वन फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो किसके इक्वल होता है, तो आप कह सकते हैं कि वो वन मोल के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 0.5 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, वो 0.5 मोल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम लोग एक मोल, यहाँ पे एक मोल Ag सिल्वर का वेट कितना होगा, तो इसमें आपके हो जाएंगे, जो इसका अल्मोनियम का वेट होता है 108, सिल्वर का वेट जो होता है 108 ग्राम, वो उतना हो जाएगा, ठीक है। और उसी प्रकार से क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 0.5 फैराडे, तो आपको यहाँ पे समझना होगा कि 0.5 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो 0.5 मोल के इक्वल होगा, जो कि मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ। तो जब एक मोल Ag बराबर आपका 108 ग्राम वेट हुआ, तो वही 0.5 जो कि 1.2 मोल के इक्वल है ऑफ Ag सिल्वर, आपका कितना होगा, इसका वेट क्या हो जाएगा, 0.5 मोल सिल्वर का वेट हो जाएगा 108 गुने 1.2 ग्राम, यानी कि 54 ग्राम,
54 ग्राम, आधा मोल है तो आधा आपका वेट भी हो जाएगा। तो इसी प्रकार से ये जो क्वेश्चन था, यहाँ पे आप देखिए 54 ग्राम जो है वो आपका सही आंसर हो जाएंगे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, व्हिच हैज इंट्रामोलेकुलर एच बॉन्डिंग। इंट्रामोलेकुलर एच बॉन्डिंग आपको निम्न में से जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें बताना है। तो इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है? तो यह क्या होता है, फॉर्म्ड होता है या बनता है भेन। हाइड्रोजन एटम क्या करता है, हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाला एटम के बीच में प्रेजेंट हो और उन एटमों का जो मोलेकुल्स है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। इंट्रामोलेकुलर एटम एच बॉन्डिंग तभी बनता है जब आपका हाइड्रोजन एटम दो हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एटम के बीच में हो विथ सेम मोलेकुल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताया गया है, यहाँ पे H2O है, H2 जो वो है, A और HF ये दोनों आपका एग्जाम्पल है इंट्रामोलेकुलर का नहीं बल्कि इंटरमोलेकुलर का एग्जाम्पल है, ठीक है। इंटर और इंट्रा में फ़र्क आप समझिएगा, एच बॉन्डिंग का एग्जाम्पल है। और वहीं पे ये जो आपका है क्या है, तो ये ओ नाइट्रोफिनॉल या फिर ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये आपका इंटरमोलेकुलर एच बॉन्डिंग का यहाँ पे ऑप्शन में से ये आपका सही होगा। और मैं आपको बता दूँ कि इसके अलावा आपका इंट्रामोलेकुलर एच बॉन्डिंग का एग्जांपल आप कह ले तो आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा सिलिसाइक्लिक एसिड, ये भी आपका इंट्रामोलेकुलर का एग्जांपल हो गया। वही आप बात करें तो इंटरमोलेकुलर का एग्जांपल में आपके और भी हो गए, जैसे H2O HF तो हुआ इंटरमोलेकुलर का एग्जांपल, साथ में आपके NH3 हो गया, ये भी आपका इंटरमोलेकुलर का एग्जांपल हो गया। H2F ये भी आपका इंटरमोलेकुलर का एग्जांपल हो गया। शुगर, मिथाइल अल्कोहल, वाटर, ये सब आपका किसका एग्जांपल हो गया, तो आपके इंटरमोलेकुलर का एग्जांपल हो गया। और इंट्रामोलेकुलर का एच बॉन्डिंग का एग्जांपल आपका ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और सैलिल, यहाँ पे आपका है सैलिक साइक, जो भी यहाँ पे उच्चारण हो, ये आपका क्या हो गया, ये दो आपका इंट्रामोलेकुलर एच बॉन्डिंग का एग्जांपल हो गया। चलिए सैलिसाइक्लिक एसिड, ठीक है, और ओ नाइट्रोफिनॉल या फिर ऑर्थ नाइट्रोफिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है आपका, फेरिक ऑक्साइड इन ब्लास्ट फर्नेस इज रिड्यूस बाय व्हिच ऑफ द फ्लोइंग। तो फेरिक ऑक्साइड जो है वो आपका रिड्यूस होता है कार्बन मोनोऑक्साइड से, ठीक है। इन ब्लास्ट फर्नेस कोक, इन ब्लास्ट फर्नेस में क्या होता है, कोक रिएक्ट करता है O2 से, ठीक है, एंड उसके और क्या होता है, तो CO कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि फेरिक ऑक्साइड में आप इन ब्लास्ट फर्नेस में आपका फेरिक ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस होता है आपके CO से, कार्बन मोनोऑक्साइड से। छठा नंबर क्वेश्चन है, द रिएक्शन ऑकरिंग एट एनोड ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ लीड स्टोरेज सेल इज। तो क्या होता है कि कौन सा रिएक्शन यहाँ पे चार्जिंग लीड स्टोरिंग के चार्जिंग के वक्त कौन सा रिएक्शन अकर बनता है या फिर जो भी हो प्रतिक्रिया बनेगा उसे आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका ए वाला प्रक्रिया बनेगा, ए वाला आपका रिएक्शन अकर करेगा व्हेन एनोड
क्या करेगा, चार्जिंग ऑफ लीड स्टोरेज सेल के वक्त रिएक्शन अकरिंग एट एनोड, एनोड के जगह पे आपका ये वाला रिएक्शन बनेगा। ये आप ध्यान दीजिएगा, PSO4 प्लस 2H2O, PbO2 प्लस 4H प्लस प्लस SO4 2 माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये वाला रिएक्शन, ठीक है। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सेवेंथ नंबर में है द हाइब्रिडाइजेशन इन BeCl2 इज, तो BeCl2 में आपका sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है। एट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग सॉल्यूशन हैज हाईएस्ट इक्वावैलेंट कंडक्टेंस, हाईएस्ट इक्वावैलेंट कंडक्टेंस आपका निम्न में से कौन से सॉल्यूशन में होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि इक्वावैलेंट कंडक्टेंस होता है उसको लैम्डा इक्वावैलेंट से लिखे, और इसका फॉर्मूला होता है के इंटू थाउजेंड अपॉन नॉर्मालिटी। चलिए मैं आपको एक वाइट पेज पे पहले से ही ऑलरेडी बना करके रखा हूँ, उसे दिखा देता हूँ। ये रहा आपका इक्वावैलेंट कंडक्टेंस को, आप लैम्डा लैम्डा इक्वावैलेंट से लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला ये होता है, के का मतलब होता है आपका कंडक्टिविटी, एन का मतलब होता है नॉर्मालिटी, और जो नॉर्मालिटी जो होता है वो आपके मोलारिटी इंटू एन फैक्टर के इक्वल होता है। और नॉर्मालिटी यहाँ जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें एन ए सी क्या दिए हुआ है, एम के सी एल, एम के सी एल, एम के सी एल, एम के सी एल, इन सभी में के सी एल का, सी एल का नॉर्मालिटी आपका एन फैक्टर वन होता है। तो यहाँ पे नॉर्मालिटी और मोलारिटी दोनों इक्वल हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे और इक्वल हो जाएंगे। और इस वाले फार्मूला को आप ध्यान से देखिएगा तो आप ये पाएंगे कि इक्वावैलेंट कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस जो होता है वो आपका फार्मूला में के अपन थाउजेंड अपॉन में एन है, यानी कि इक्वावैलेंट कंडक्टेंस आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन एन, वन अपॉन एन, या फिर आप कह सकते हैं यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मालिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जिसका नॉर्मालिटी अधिक होगा, जिसका नॉर्मालिटी अधिक होगा उसका यहाँ पे कोवैलेंट कंडक्टेंस कम हो जाएगा, और जिसका नॉर्मालिटी अधिक होगा उसका यहाँ पे कंडक्टेंस कम होगा, जिसका नॉर्मालिटी कम होगा उसका इक्वावैलेंट कंडक्टेंस अधिक होगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि इक्वेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि लैम्डा ई क्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मालिटी है। तो इसलिए इस ऑप्शन में नॉर्मालिटी आपका हर जगह पे, यहाँ भी नॉर्मालिटी तो एक से मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ भी नॉर्मालिटी या फिर एन फैक्टर वन है सबका, यहाँ पे मोलारिटी या नॉर्मालिटी वन वन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जिसका नॉर्मालिटी सबसे कम है तो यहाँ पे जो कांस्टेंट दिया हुआ है उसमें और वन से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये तो आपका सेम आने वाला है, ये भी आपका सेम आने वाला है, ये भी आपका सेम आने वाला है, ये भी आपका 0.02 आने वाला है। तो जिसका नॉर्मालिटी सबसे कम है तो ऑप्शन बी में 0.005 है, यानी कि सबसे कम नॉर्मालिटी ऑप्शन बी नंबर में है। तो इसलिए मोलारिटी इक्वावैलेंट कंडक्टेंस आपका सबसे ज़्यादा 0.05 MKCl में हो जाएगा। ऑप्शन में भी यहाँ पे भी वही चीज़ बताया गया है,
आप सभी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन बेसेमर्स प्रोसेस द रिफ्रैक्टरी लाइनिंग इज ऑफ, बोला जा रहा है कि बेसेमर प्रोसेस में बेसेमर्स प्रोसेस क्या होता है। तो आपका बेसेमर प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें स्टील को बनाया जाता है। चलिए इसका भी आंसर मैं आपको यहाँ पे दे चुका हूँ, देख सकते हैं। मैन्युफैक्चर के बनाने में, मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील बेसेमर प्रोसेस का उपयोग मान लेते हैं कि अगर हो तो यहाँ पे बेसेमर जो है, बेसेमर्स कन्वर्टर इज कंडक्टिंग कंटेनिंग लाइनिंग ऑफ CaO, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे जो भी आप समझ सकते हैं कि बेसेमर की प्रक्रिया में अग्नि रोधक परत जो होता है वो आपका CA कैल्शियम ऑक्साइड, CaO होगा कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दसवां नंबर क्वेश्चन आप सभी देखेंगे, इसमें आपसे बोला गया है कि C10 नंबर ऑफ अल्फा मिथाइल नेप्थालीन इज, अल्फा मिथाइल नेप्थालीन का C10 संख्या क्या होगा। तो अल्फा मिथाइल नेप्थालीन का C10 संख्या, आप कह सकते हैं C10 संख्या 0 होता है, और यहाँ पे अल्फा मिथाइल नेप्थालीन को आप कह सकते हैं कि C11H10, ये इसका लिखा जाएगा, ये अल्फा नेप्थिल मिथाइलिन को इस प्रकार से लिखा जाएगा, और इसका C10 नंबर 0 होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर है आपका, फॉसिल फ्यूल्स यानी कि जीवाश्म ईंधन क्या होता है। तो जीवाश्म ईंधन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, या फिर इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स है, या फिर रिन्यूएबल रिसोर्स है, या फिर नॉन ऑफ दीज है। तो जीवाश्म ईंधन क्या होता है या कैसे बनता है, उसे आपको समझने का ज़रूरत है। जीवाश्म ईंधन आपका जो भी पेड़ पौधे या फिर जानवर, बहुत सालों पहले मान लेते हैं कि कभी भूकंप आया था, सारा लोग मर गए थे, सारे जानवर पेड़ पौधे, तो वही के कारण सारे पेड़ पौधे का सड़ जाना और धरती के अंदर बहुत सालों तक गड़े रह जाना, तो एक प्रकार से नेचुरल गैस, कोयला इत्यादि जीवाश्म ईंधन के रूप में बन जाती है। तो ये आपका फॉसिल फ्यूल हुआ। ठीक है, तो फॉसिल फ्यूल्स आर लिमिटेड इन नेचर, यह आपका क्या होता है, लिमिटेड होता है, सीमित होता है, यह अनलिमिटेड नहीं है। जैसे हवा, वायु आपका कहा जाए तो यह अनलिमिटेड है, लेकिन कोयला हो गया, पेट्रोलियम पदार्थ हो गया, यह सब जीवाश्म ईंधन का यहाँ पे मटेरियल है, तो ये सब तो लिमिटेड होता है। कभी ना कभी कोयला भी समाप्त होगा, कभी ना कभी पेट्रोलियम पदार्थ या फिर नेचुरल गैस ये सब समाप्त होगा, तो ये क्या कहा जाएगा कि यह लिमिटेड है, यानी कि इसको बोला जाए तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, सीमित प्रकार का रिसोर्स है। ठीक है, ऑप्शन ए आपके राइट आंसर हो जाएंगे। 12 देखिए, 12 है आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर कौन है निम्न में से। तो बैकेलाइट आपका थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है या नहीं, तो नहीं है। फॉर्मल्डिहाइड रिजाइन, ये भी आपका थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर नहीं है। टेफ्लॉन आपका थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है, नॉन ऑफ दीज नहीं होगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे मैं आपको कहूँ तो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर आपके पॉलीथीन, पॉलीस्टीरीन, नायलॉन, टेफ्लॉन, ये सभी आपका क्या होते हैं,
तो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर होते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन है, फ्यूज्ड NaCl कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज, मतलब यहाँ पे फ्यूज्ड यानी कि पिघला हुआ सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है किसके कारण, तो आयन के कारण, जैसे Na प्लस Cl माइनस, ये आपका जब किसके कारण, आयन्स के कारण ही इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है, फ्री आयन्स के कारण आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। 14वां नंबर क्वेश्चन देखिए, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू, पानी के अस्थाई कठोरता का कारण है। परमानेंट कठोरता वाटर किसके कारण होता है, तो आप कह सकते हैं कि ये आपका होता है परमानेंट हार्डनेस इन वाटर जो होता है वो आपका हार्डनेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड नाइट्रेट सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, तो ये आपका क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम वाला जो ये ऑप्शन है, इसके कारण आपका परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर जो है वो इसके कारण ही कह सकते हैं कि बनता है। ठीक है, पानी की अस्थायी कठोरता का कारण क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम, ये आपका हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। 15वां नंबर क्वेश्चन है, द सब्सटेंस यूज्ड इन मेटालर्जी टू रिमूव सिलिका आर कॉल्ड, तो वैसा सब्सटेंस जिसमें हम लोग किसी भी इम्प्यूरिटी को रिमूव करें, ठीक है, वो सभी आपका फ्लक्स कहलाता है। यहाँ पे बोला गया है द सब्सटेंस यूज्ड इन मेटालर्जी टू रिमूव सिलिका आर कॉल्ड, ये फ्लक्स तो होगा ही, और फ्लक्स क्या होता है जिसका उपयोग किया जाता है रिमूव करने के लिए सिलिका या फिर कोई भी अनवांटेड मेटल ऑक्साइड हो ड्यूरिंग द स्मेल्टिंग प्रोसेस। स्मेल्टिंग प्रोसेस के दौरान सिलिका या फिर अनवांटेड मटेरियल को रिमूव करने की प्रक्रिया को फ्लक्स बोला जाता है, या फिर आप कह ले तो गैंग को रिमूव करने की प्रक्रिया को फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन, टेम्प्रोरी हार्डनेस ऑफ वाटर मे बी रिमूव्ड बाय द एडिशन ऑफ, तो ये जो पानी की अस्थाई कठोरता को क्या डाल करके हटा सकते हैं, तो इसको पर टेम्प्रोरी हार्डनेस ऑफ वाटर रिमूव्ड बाय एडिंग CaOH2, ठीक है, इसे डाल करके ही हटाया जाता है। और आप कहें तो यह किसके मेथड से, तो क्लार्क्स मेथड का उपयोग करते हुए इसका रिमूव किया जाता है इसके हार्डनेस को, और कहें तो क्लार्क प्रोसेस में आपके स्लैक्ड लाइम CaOH2 होता है उसे ऐड किया जाता है, ऐड करके टेम्प्रोरी हार्डनेस वाटर को रिमूव किया जाता है, जिससे क्या होता है कि अघुलनशील इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट अलग होकर बाहर हो जाता है, जिससे कि टेम्प्रोरी हार्डनेस आपका रिमूव हो जाता है। तो ये वाला आप याद रखिएगा, CaOH2 डाल करके टेम्प्रोरी हार्डनेस वाटर का रिमूव किया जाता है। 17वां नंबर क्वेश्चन है, ए लुब्रिकांट शुड बी पोजेज हाई, एक स्नेहक के उच्च होना चाहिए। लुब्रिकांट क्या होता है पहले उससे आपको समझने की ज़रूरत है। तो गुड लुब्रिकांट शुड हैव हाई विस्कोसिटी, यानी कि अच्छा जो स्नेहक होगा उसका विस्कोसिटी है वो हाई होना चाहिए। तो इसमें से विस्कोसिटी किसका हाई है, विस्कोसिटी का मतलब आप कह सकते हैं कि चिपचिपा सा, जैसे यहाँ पे ऑप्शन है वायल समझते हैं, एसिडिटी वाष्प, तो आप समझिए वाष्प का विस्कोसिटी ज़्यादा होगा या फिर अल्म का या फिर ऑयल का, तो ऑयल का तेल का विस्कोसिटी
ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आप तेल को ज़मीन पे गिराते हैं, ठीक है, ज़मीन पे गिराते हैं तो वह बहुत तेज़ी में पसरेगा, परंतु जितना तेज़ी में पानी बिखर जाएगा उतना तेज़ी में ऑयल नहीं बिखरेगा। और अलमियता तो खैर छोड़िए ही, वाष्प, वाष्पशीलता हो तो हवा होता ही, हवा की तरह होता है, वो तो बिखरा हुआ ही होता है। तो ये जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें ऑयलनेस, तैलीय में आपका एक कह सकते हैं कि लुब्रिकेंट का हाई हाई पोजेज होता है, उच्च स्नेहक उच्च होता है। 18वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 18वां नंबर क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड इज ट्रिगोनल पिरामिडल। तो आपका कौन सा यौगिक में ट्रिगोनल पिरामिडल बनता है? तो NH3, NH3 में आपका ट्रिगोनल पिरामिडल जो भी हो बनता है। और VF3 जो है इसमें आपका ट्रिगोनल प्लेनर, इसका शेप जो होता है ट्रिगोनल प्लेनर होता है। NH3 का ट्रिगोनल पिरामिडल के तौर पे इसका स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। 19वां नंबर क्वेश्चन है, ए गुड फ्यूल पोजेज, एक अच्छा ईंधन क्या चीज़ को उसमें क्या होना चाहिए, एक अच्छा ईंधन में क्या होना चाहिए? तो एक अच्छे ईंधन में आपके एक तो कम या फिर मध्यम इग्निशन ज्वलन ताप होना चाहिए, और साथ में उच्च हाई कैलोरीफिक वैल्यू होना चाहिए। ये आप ध्यान देंगे, आपके हाई कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है, और आपका मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर, उसमें मान अधिक और मध्यम ज्वलन ताप जिस ईंधन में हो वो कहा जाएगा कि वह अच्छा ईंधन है। तो इसलिए बोथ बी एंड सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सुपोषण, इथ्रोफिकेशन को सुपोषण बोलते हैं हिंदी में, किसके कारण, ये जो किसके कारण कम होता है, तो यूट्रिफिकेशन किसके कमी से हो जाता है? तो कह सकते हैं कि डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन से आपका सुपोषण जो है, इसकी डिसॉल्व ऑक्सीजन से ही वो आपका कम हो जाता है, कमी होता है। डिसॉल्व ऑक्सीजन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोगों ने 200 ऑब्जेक्टिव देख लिया। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। क्वेश्चन पेपर आप वेबसाइट पे मेरे विजिट कर जाइएगा, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक लिंक मिलेगा SBTE बिहार करके, और उसके आगे लिंक दिया रहेगा SBTE.vetupoli.in। इस वेबसाइट पे आपको विजिट करना है, क्वेश्चन पेपर देखने को आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद।